नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ माय क्लाइंट्स वाइफ मूवी के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया प्रभाकर मीना भास्कर पंत ने। ये एक ही इंसान का नाम है। अब ये मूवी इसका नाम सुनकर मत देखने बैठ जाना, कहीं सोचो कि माय क्लाइंट्स वाइफ कुछ तो होगा इसके अंदर। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर मैं सच बताऊँ तो मैं भी यही सोचकर ये मूवी देखने बैठा था और मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिला, बट जो मिला वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। इसके अंदर कास्ट है अंजलि पाटिल, अभिमन्यु सिंह, शारिब हाशमी और बाकी अन्य कलाकार। अब इसकी कहानी के बारे में बात करते हैं। एक सिंदूरा सिंह नाम की एक औरत है, वो अपने पति से बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उसका पति उसको मारता है, ये कहना है सिंदूरा सिंह का। और ये कहकर वो इल्जाम उसके ऊपर लगाती है और उसको पुलिस में डला देती है। और उधर जो उसका पति रघुराम सिंह, वो ये कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, ये उसकी जालसाजी है क्योंकि वो उसे फंसाना चाहती है, क्योंकि उसका बहुत सारे आदमियों के साथ वो अफेयर चल रहा है, इसलिए वो उनके साथ रहना चाहती है और अपने पति को फंसा रही है। इसलिए जो उसका वकील है, रघुराम सिंह का वकील है मानस, वो सच्चाई जानने के लिए सिंदूरा के पास जाता है, लेकिन सिंदूरा उससे बात नहीं करती और ये केस थोड़ा थोड़ा उलझता चला जाता है कि इसके अंदर आखिर चल क्या रहा है। और एटलीस्ट हमें लास्ट में जाके पता चलता है कि इसमें चल क्या रहा था। और मानस नाम के इस कैरेक्टर की बात करूं, जो वकील है यार, सच में इतना इरिटेटिंग लगा कि यार इसको किसने वकील बनाया। मतलब कि इसको समझ नहीं है कि क्या सोच समझ के क्या बात करनी है, कौन से सवाल पूछने हैं, पता नहीं क्या सोच के वकील बना दिया यार इसको। जब मैंने ये मूवी देखनी शुरू की थी तो मैं सच कहूँ यार, मुझे उबासी आ रही थी। यार एक बात सोचो, जब तुम बहुत ज्यादा बोर हो रहे हो, तुम अरे कोई मूवी स्टार्ट करते हो तो क्या सोच के स्टार्ट करते हो? यही कि इससे एंटरटेनमेंट मिलेगा, और एंटरटेनमेंट अगर ना मिले, उससे तुम और ज्यादा बोर हो जाओ तो यार उस मूवी को क्या कहोगे, कचरा ही कहोगे। एटलीस्ट मैंने अपनी पूरी ताकत पूरी हिम्मत लगा के ये मूवी कंप्लीट की, और मैं यही कहूंगा कि इसके जो लास्ट के 5 या 7 मिनट है वही थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट हमें कर पाते हैं। और इसके 5 से 7 मिनट ही मैं कहूंगा पूरा सस्पेंस है। इस पूरी मूवी का कंक्लूजन वही है। अगर आप वही देख लोगे तो पूरी मूवी देखने की भी जरूरत नहीं है। डोंट वरी, मैं वो नहीं बताने वाला हूं क्योंकि मैं किसी का स्पॉइलर या मतलब किसी का इंटरेस्ट भी खराब नहीं करना चाहता हूं। और अगर इस पूरी मूवी को इसके लास्ट के 5 या 7 मिनट के आधार पर मैं इसको जज करूं तो मैं यही कहूंगा यार, ये सिर्फ और सिर्फ वन टाइम वॉच मूवी है। इसको मेरी तरफ से मैं देना चाहूंगा 5 out of 10 स्टार। इसके अंदर परफॉर्मेंस की बात करूं तो परफॉर्मेंस बिलो द एवरेज है। मतलब इतनी ज्यादा हमें इंगेज नहीं कर पाती है। दूसरी चीज, इसकी कहानी को इतनी ज्यादा अट्रैक्ट नहीं है, और इसका जो लास्ट का जो सस्पेंस है इतना भी भयंकर नहीं है कि हमारी आंखें खुली की खुली रह जाएं, हम बस कुछ बोल ही ना पाए, हम सन रह जाएं वो देख के कि लास्ट में क्या होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, जस्ट नॉर्मल रिएक्शन होता है कि अच्छा ये था क्या इसके अंदर। खैर, अगर आप लोगों ने मूवी देख रखी है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को मूवी कैसी लगी। अगर जिन्होंने नहीं देखी तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, रिव्यू आपके सामने, अगर आप चाहो तो देखना चाहो तो देख सकते हो। बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।